स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। प्यारे विश्वासियों, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की एक बहुत ही सुंदर योजना है। यह योजना हमारे हानि या हमारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमारी भलाई के लिए है। हम जहाँ कहीं भी हैं, चाहे हम कितनी ही दुख तकलीफों में, कष्टों में, उदासी में क्यों ना हो, सब प्रभु की योजना है। हम जैसे भी हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी ही कमजोरियां क्यों ना हो, हम प्रभु की योजना के द्वारा, प्रभु की रचना द्वारा बनाए गए हैं। हर एक कमजोरी बहुत ही सुंदरता से प्रभु ने हमें दी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में है और इसीलिए हमारा जीवन सुरक्षित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा भी हूँ प्रभु तेरी रचना। थैंक यू जीसस। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। धन्यवाद यीशु मुझे ऐसा बनाने के लिए। मेरा जीवन अध्याय 107 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला, उसने उनके बंधन तोड़ डाले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे जितने भी बंधन थे, चाहे वो पाप के हो, अंधकार के हो या बीमारियों के हो, सब कुछ प्रभु यीशु द्वारा तोड़ दिया गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब कोई भी शस्त्र हमें प्रभु की स्तुति करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु
यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जब गेतसेमनी बाग में प्रभु यीशु प्राण पीड़ा में थे, तब उन्होंने प्रभु से कहा, पिता यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु जानते थे कि पिता ईश्वर की इच्छा, उनकी योजना उन्हें हानि पहुंचाने के लिए, उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि वो इस समस्त संसार की भलाई के लिए है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार किया। आइए हम भी पिता ईश्वर से कहें कि ईश्वर मेरी नहीं बल्कि सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। आइए हम अपने दुख में भी प्रभु यीशु की स्तुति करें, क्योंकि पवित्र वचन कहता है जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में समय का दुख नगण्य है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु यीशु की स्तुति करें। शस्त्र प्रभु हमारे विरुद्ध नहीं है। चाहते हैं, परंतु हर बार प्रभु अपनी मर्जी से हमें मृत्यु से बचाते हैं। रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। वचन आगे कहता है, हम लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता।
बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। आइए उसी अधिकार के साथ हम हमारे पिता ईश्वर को पुकारे और उससे कहें कि तू ही हमारा खुदा है और तू ही हमारा पिता है और हर एक वरदानों के लिए, हर एक संकट के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति और आराधना करें। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, सिर्फ भलाई चाहता है भला प्रभु। तू मेरा खुदा, तेरे सिवा मेरा कोई ईश्वर नहीं। तू मेरा, धन्यवाद ईश्वर, आपकी ही बाहों में सुकून है प्रभु। तू मेरा खुदा, थैंक यू जीसस। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, आपकी बाहों में पिता भी है। Jesus.